Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our AFM unit number 20, unit number 14 actually, not 20, unit number 14. Chapter name is Companies Account 1, Part 1. So in this lecture we will discuss everything regarding the company account. So let's begin our lecture with the first topic that we have. दोस्तों पहला टॉपिक है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्टार्टिंग अ बिजनेस। तो कितना पैसा मैटर करता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे, कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इमेजिन कीजिए कि आप एक दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो कितना पैसा आपको चाहिए स्टार्ट करने के लिए, जो कि कैपिटल कहलाता है। ये किसे अफेक्ट करेगा, ये किस तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर को आप चूज कर रहे हैं, वही कहा जा रहा है कि कैपिटल नीड इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर। तो जैसे मान लीजिए कि आपको केवल कुछ पैसा चाहिए, इफ़ यू नीड ओनली लिटिल बिट ऑफ मनी, इफ यू नीड ओनली लिटिल बिट ऑफ मनी, यदि आपको कुछ पैसा चाहिए मात्र, ठीक है, तो एक सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर हो सकता है जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। तो उस केस में आप सिंपल बिजनेस स्ट्रक्चर ले सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, राइट, जहाँ पे आप केवल ऑनर हो, ये परफेक्ट होगा। तो प्रोप्राइटरी फर्म सूट्स मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ट्रांजिशन विद बिजनेस एक्सपेंशन। मतलब क्या हुआ कि जैसा आपका बिजनेस ग्रो होगा ना, तो वैसे ही आपकी ज़रूरत भी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि जो आपका शॉप है, क्योंकि मैंने शॉप का एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए कि जो आपका शॉप है वो अच्छा कर रहा है, सपोज योर शॉप डज वेल, और आपको बड़ा होते गया, मतलब अच्छा करने लगा शॉप, प्रॉफिट होने लगा और बड़ा होते गया, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, यू हैव मोर थिंग टू मैनेज, राइट, यू हैव मोर थिंग टू मैनेज। जैसे कि आपको मैनेज करने में क्या हो सकता है कि आपको पीपल हायर करना पड़ेगा, या आपको इन्वेंट्री ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, तो ये टफ हो सकता है एक पर्सन को कि वो सभी चीज़ों को इफेक्टिवली हैंडल करे। तो वही कहा जा रहा है ग्रोथ डिमांड अ ब्रॉडर मैनेजमेंट स्कोप। तो जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा तो आपका नीड्स भी बढ़ेगा, तो सिंगल इंडिविजुअल स्ट्रगल करेगा कि वो सारे एस्पेक्ट को हैंडल कर सके। तो यहाँ पे टीम अप का पार्ट आता है, ठीक है, आप वर्क को शेयर कीजिए। यहाँ पे आता है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ कि आपका एक टीममेट है, पार्टनरशिप मतलब यही समझिए, यू हैव अ टीममेट, राइट, आपके बिजनेस में आपका टीममेट है, आप, यू एंड अदर पर्सन, ठीक है, या हो सकता है कुछ लोग भी हो, यू एंड अनदर पर्सन। तो टीममेट का मतलब मैं समझा रहा हूँ यू एंड अदर पीपल, ठीक है, वो एक साथ काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करेंगे शॉप रन का, और प्रॉफिट को स्प्लिट करेंगे। तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि हमारे पास एक टीममेट है अपने बिजनेस में, आप और आपका जो दोस्त है, जो दूसरा पर्सन हो सकता है, या कुछ लोग भी हो सकते हैं जो कि पार्टनर कहलाते हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि एक साथ काम करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करेंगे शॉप रन करने का, और प्रॉफिट को स्प्लिट करेंगे। तो इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके अंदर क्या होता है कि ये की आइडिया है पार्टनरशिप का, इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं। दोस्तों सिंपल भाषा में बात करें, इस स्लाइड में क्या समझाया जा रहा है कि स्मॉल बिजनेस यदि है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करना, ये कोई कॉम्प्लेक्स, स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करना किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता जाएगा तो आपको ज्यादा लोग की हेल्प चाहिए, यू नीड मोर पीपल टू मैनेज इट, यू विल नीड मोर पीपल टू मैनेज इट, ठीक है। तो किसी के साथ यदि आप पार्टनर कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि आप वर्कलोड को शेयर करेंगे, यू विल शेयर द वर्कलोड, यू विल शेयर द प्रॉफिट, आप वर्कलोड और प्रॉफिट दोनों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे जब आप पार्टनर करते हैं तो। और पार्टनरशिप का कोड यही है कि हम एक साथ काम करें ताकि एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें। ये बातें समझ में आई, तो इस स्लाइड में क्या समझाया गया उसको मैंने आपको संक्षेप में समझा दिया। अब बात करते हैं हम लोग कि पार्टनरशिप की क्या एसेंस है। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है कि शेयरिंग द मनी एंड वर्क। तो पार्टनरशिप फर्म के एसेंस की बात करते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है दोस्तों कि एक पॉइंट शायद, हाँ, पार्टनरशिप डिनोट्स अ कोलैबोरेटिव प्रॉफिट शेयरिंग रिलेशनशिप, ऑल पार्टनर कंट्रीब्यूट टू एन ओवरसीज बिजनेस एक्टिविटी, पार्टनरशिप फर्म डायनेमिक्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शेयरिंग द मनी एंड वर्क। पार्टनरशिप में क्या होता है दोस्तों कि सभी लोग जो है कैपिटल डालते हैं, मनी डालते हैं, मनी बोलिए या कैपिटल बोलिए, ठीक है, सभी लोग कैपिटल डालेंगे, एवरीवन विल पुट द कैपिटल, ताकि जो बिजनेस है ना, ताकि मेन पर्पस क्या है कि जो हमारा बिजनेस है वो गोइंग रहे,
ठीक है। तो समझिए कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जहाँ पे सभी लोग आते हैं सामने। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, सभी लोग पैसा डालते हैं, सभी लोग कैपिटल डालते हैं ताकि बिजनेस बढ़ता रहे, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया, वही कहा जा रहा है पार्टनर्स कलेक्टिवली फाइनेंस द बिजनेस वेंचर। दूसरा पॉइंट क्या है कि पार्टनरशिप, पार्टनर जो होते हैं वो बिजनेस को रन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे स्प्लिट भी करते हैं, राइट। तो वही कहा जा रहा है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड अमॉन्ग पार्टनर। तो एक पार्टनर हो सकता है कि वो सेल्स में अच्छा हो, दूसरा पार्टनर हो सकता है कि वो बुक कीपिंग में अच्छा हो, ठीक है, तीसरा पार्टनर हो सकता है कि किसी और चीज़ में अच्छा हो। तो वो सब क्या करते हैं कि सभी चीज़ों एक साथ काम करते हैं ताकि सभी चीज़ों को मैनेज कर सकें। तो यही होता है कैपिटल प्रोविजन एंड मैनेजमेंट। अब दूसरी बात आती है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो डाउन साइड। तो यहाँ देखिए, यहाँ समझाया जा रहा है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नो डाउन साइड, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात की जा रही है। तो ये क्रूशियल पॉइंट है कि प्रत्येक पार्टनर जो होंगे ना वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ईच पार्टनर बियर्स द अल्टीमेट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब ईच पार्टनर इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस डेप्ट। बिजनेस का जो भी डेप्ट है उसके लिए प्रत्येक पार्टनर जो है फुल्ली रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इमेजिन कीजिए कि बिजनेस ने किसी से उधार लिया। मान लीजिए कि बिजनेस ने किसी से उधार लिया, ये हमारा बिजनेस है मान लीजिए, ठीक है। इसने क्या किया, किसी से उधार लिया, राइट, और उसको जो है अपना फंड पे नहीं कर पा रहा, इट इज अनेबल टू पे बैक हिज ऑन फंड। तो इस केस में क्या होगा कि जो क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर कौन होता है, जिसे बिजनेस ने उधार लिया ये क्रेडिटर कहलाएगा, ठीक है। जो क्रेडिटर है मतलब जिससे बिजनेस ने उधार लिया है वो पार्टनर के पर्सनल एसेट के बाद आ सकता है। जैसे कि पर्सनल एसेट क्या हो सकता है, हाउस हो गया, कार हो गए, ये सभी पर्सनल एसेट कहलाते हैं, ताकि डेप्ट को क्या कर सकें, सेटल कर सकें, टू सेटल द डेप्ट। ये बातें समझ में आई आपको। तो यही होता है हमारा, पर्सनल एसेट कैन बी यूटिलाइज टू सेटल फर्म डेट अपॉन डिसोल्यूशन इफ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशियंट। तो इसमें क्या पॉइंट समझाया जा रहा है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि प्रत्येक पार्टनर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस के डेप्ट के लिए। बिजनेस ने मान लीजिए किसी से उधार लिया और उसे वापस पे नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में जो क्रेडिटर है वो पार्टनर के पर्सनल एसेट का यूज करके अपने डेप्ट को सेटल करवा सकते हैं। अब पार्टनर का पर्सनल एसेट क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई पार्टनर है उसका कार हो गया, ठीक है, उसका हाउस हो गया, तो उसको डेप्ट के रूप में रखकर इसको सेटल कर सकते हैं। यही चीज़ समझाया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नॉट फॉर बिग ड्रीम, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट समझिए, पार्टनरशिप जो है बहुत सारे बिजनेस, कुछ बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ देखिए लिमिटेशन बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप स्मॉल भी कुछ बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन सभी इसको हैंडल नहीं कर सकता। यदि आपको मैसिव अमाउंट ऑफ मनी चाहिए स्टार्ट होने के लिए, इफ़ यू नीड मैसिव अमाउंट ऑफ मनी टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, राइट। तो जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री है, ठीक है, सीमेंट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, ठीक है, तो जैसे कोई जॉइंट फैक्ट्री है, वहां पे पार्टनरशिप जो है बेस्ट चॉइस नहीं होगा। तो पार्टनरशिप के क्या लिमिटेशंस हैं, पार्टनरशिप के क्या एडवांटेज हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझाए जा रहे हैं, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप, बहुत बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा पॉइंट है इमरजेंस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमरजेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसको समझिए। तो सबसे पहला, जब भी बिजनेस को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और बिजनेस जो है पार्टनर्स के पर्सनल रिस्क को लिमिट करना चाह रही है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक अच्छा ऑप्शन होता है। वही कहा जा रहा है इमरजेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, व्हेन अ बिजनेस नीड्स अ लॉट ऑफ मनी एंड वांट टू लिमिट पार्टनर पर्सनल रिस्क, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी बिकम एन ऑप्शन। तो जब भी किसी बिजनेस को बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और पार्टनर के पर्सनल रिस्क को लिमिट करना चाहती है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो समझिए कि एक बिगर, एक कॉम्प्लेक्स टीम होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब मैं समझा रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स टीम होता है, जस्ट लाइक अ कॉम्प्लेक्स टीम, राइट, जहां पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगी अपने डेप्ट के लिए, इंडिविजुअल शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि कंपनी के जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और कंपनी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑफर अ सॉल्यूशन फॉर सब्सटेंशियल कैपिटल नीड, जब बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए और कंपनी अपने डेप्ट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप बहुत सारा कैपिटल रेज कर सकते हैं बिना पर्सनल एसेट को रिस्क पे डाले हुए। पार्टनरशिप में क्या था कि यदि मान लीजिए कि पार्टनरशिप फॉर्म पे नहीं कर पाती है तो फिर रिस्क पे आ जाएगा, राइट।
लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारा कैपिटल रेज कर सकते हैं बिना पर्सनल एसेट को रिस्क में डाले हुए। अब हम लोग कंपनीज की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होता है, टाइप क्या होता है कंपनी का। जैसे मान लीजिए कि हम एक साथ काम कर रहे हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, तो कंपनी को ऐसा ही समझिए कि कंपनी बेसिकली क्या है कि कंपनी एक टीम है, राइट। कंपनी जस्ट लाइक अ टीम जिसको फॉर्म किया गया है एक लोगों के द्वारा जो कि अपने रिसोर्स को एक साथ डालते हैं, वी हु पुट देयर रिसोर्स टुगेदर, ठीक है। तो कंपनी क्या है, एक टीम है जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया है जो कि अपने रिसोर्स को एक साथ डालते हैं ताकि एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें। कॉमन गोल क्या हो सकता है, कॉमन गोल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सक्सेसफुल बिजनेस है उसको रन करना है, यही कॉमन गोल हो सकता है ना, ठीक है। तो रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, तो कंपनी एक टीम होता है जो कि लोगों के द्वारा बनाया जाता है ताकि अपने रिसोर्स को एक जगह रख सकें ताकि एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें। दूसरी बात क्या है कंपनी का, कि एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करता है, इट वर्क्स लाइक अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल जो भी इन्वॉल्व होते हैं तो विदाउट एनी फिजिकल, इसमें कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, इसको कोर्ट में स्यू भी किया जा सकता है। तो ये सभी दोस्तों कंपनी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट एग्जिस्ट एट अ सेपरेट एंटिटी, इट इज जस्ट लाइक अ, ये समझिए एक तरह का पर्सन ही होता है बिना किसी फिजिकल बॉडी का। ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या किसी को कोर्ट में स्यू भी कर सकता है या स्यू करवा सकता है। नेक्स्ट है हमारा लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क का मतलब रूल्स को फॉलो करना, लॉज एंड कंपनीज। तो कंपनी को किसी विम पे क्रिएट नहीं किया जाता, रेदर उन्हें कुछ स्पेसिफिक लॉ को फॉलो करना होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेट किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कंपनीज जो है ट्रांसपेरेंटली और फेयरली जो है ऑपरेट हो, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार ये फॉलो किया जाता है, इसे कहते हैं हम लोग लीगल फ्रेमवर्क। दूसरा पॉइंट है लीगल पर्सनहुड, इसका क्या मतलब होता है आइए समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लीगल पर्सनहुड। देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कंपनी एक तरह का लीगल इंडिविजुअल होता है, तो कंपनी कोई रियल पर्सन नहीं है, कंपनी इज नॉट ए रियल पर्सन, लेकिन लॉ इसे एक तरह से ट्रीट करता है बहुत तरीके से। लॉ ट्रीट इट एज वन, लॉ इसे कैसे ट्रीट करता है, लॉ इसे ट्रीट करता है एक लीगल पर्सन के तरह बहुत तरीके से। कंपनी के पास बैंक अकाउंट हो सकता है, राइट, कंपनी के पास प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कंपनी एग्रीमेंट में इंटर कर सकता है जैसे कि आप और हम। तो इनकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे टैक्स पे करना हो, टैक्स पेइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो वही पॉइंट समझाया जा रहा है, कंपनी पॉसेस लीगल पर्सनहुड ग्रांटिंग देम राइट एंड ऑब्लिगेशन सिमिलर टू इंडिविजुअल्स। अब बात करें वैरायटीज ऑफ कंपनी की, तो बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। तो बहुत तरह की कंपनीज होती हैं, प्रत्येक का अपना रूल्स है, प्रत्येक का अपना करेक्टरिस्टिक्स है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जो है अपने शेयर को जनरल पब्लिक को बेच सकती है, तो जो भी शेयर है ना उसे जनरल पब्लिक को पब्लिक कंपनी बेच सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी जो है कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा खरीदा जाता है। फिर देखिए एक और पॉइंट है, लिमिटेड बाय शेयर और गारंटी। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कंपनी जो कि शेयर के द्वारा लिमिटेड होती है, वहां पे ऑनर्स का जो लायबिलिटी है उतना ही होता है जितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया। देखिए यहां लिखा है ना लिमिटेड बाय शेयर, पब्लिक कंपनी समझ में आया, पब्लिक कंपनी का मतलब वैसा कंपनी जो कि अपने शेयर को जनरल पब्लिक को बेचती है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा खरीदी जाती हैं, उसे हम लोग प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। अभी कुछ कंपनियां होती हैं जो कि लिमिटेड बाय शेयर होती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपनी में जो कि लिमिटेड बाय शेयर है, इस केस में जो ऑनर्स की लायबिलिटीज होती है ना, जो ऑनर है इनकी जो लायबिलिटीज है वो लिमिटेड होती है, कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया, अमाउंट दे इन्वेस्टेड मतलब कितना अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी से लिमिटेड होती है, राइट। और अब कुछ कंपनी गारंटी से लिमिटेड होती है, लिखा लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि ऑनर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे फिक्स्ड अमाउंट के लिए यदि कंपनी डिसॉल्व हो जाती है। यदि मान लीजिए हम गारंटी की बात कर रहे हैं, यदि कंपनी डिसॉल्व हो जाएगी तो ऑनर रिस्पॉन्सिबल किसके होंगे, ऑनर रिस्पॉन्सिबल होंगे फिक्स्ड अमाउंट के लिए, ऑनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्स्ड अमाउंट। तो ये सभी हमारे वैराइटीज ऑफ कंपनियां होती है। अब हम लोग फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज और रजिस्टर्ड फॉर बिजनेस। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी समझिए कि एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बिजनेस है, इट इज अ लीगल रजिस्टर्ड एंटिटी, इट इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बिजनेस। ये एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू होता है, इट गो थ्रू अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस।
राइट तो जो कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का नियम लिखा हुआ है उसको ये फॉलो करता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसे लीगल एंटिटी बनाया जाता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जस्ट लाइक अ लीगल एंटिटी, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट है हमारा, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इज मैंडेटरी, मतलब 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेपरेट बींग, मतलब क्या हुआ, इमेजिन कीजिए कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है एक सेपरेट पर्सन है लॉ के आई में, ये फिजिकली चल नहीं सकता लेकिन ये बहुत काम कर सकता है जो कि रियल पर्सन कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदना, जैसे कि कंपनीज मान लीजिए किसी को सीओ करना, लिटिगेट करना, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी जो है खुद रिस्पॉन्सिबल होगी अपने एक्शन के लिए, जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जो जिन शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। शेयर होल्डर बिजनेस भी कर सकते हैं कंपनी के साथ यदि जरूरत हो तो, वही कहा जा रहा है, मेंबर कैन ऑल्सो इंगेज इन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परपेचुअल सक्सेशन, मतलब क्या होता है कि ये कूल फ्यूचर है, मतलब एक जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है चलते रहती है चाहे इसके मेंबर यानी कि शेयर होल्डर चेंज भी क्यों ना हो जाए, वही कहा जा रहा है, इट इंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो यदि चेंज भी हो जाए फिर भी ये जो कंपनी है वो चलते रहेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक शेयर होल्डर है, मैं एग्जांपल के तौर से समझाता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक शेयर होल्डर है, राइट, वो उनकी डेथ हो जाए, मान लीजिए वो डाइज हो या इंसॉल्वेंट हो गए, क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, तो ऐसे केस में क्या होगा, कंपनी जो है इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये कंपनी ऑपरेट होगा, जारी रखेगा अपना ऑपरेशन एज यूजुअल, क्योंकि नए शेयर होल्डर आएंगे यानी तो एग्जिस्टिंग वन जो है ज्यादा शेयर खरीद लेंगे, तो इसे कहा गया है परपेचुअल सक्सेशन। समझ में आ रहा है दोस्तों, एक एक पॉइंट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सील, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है वो फिजिकली डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो कंपनी कैन नॉट साइन ड्यू टू लीगल स्टेटस, कंपनी कैन नॉट साइन डॉक्यूमेंट इन इट्स नेम डायरेक्टली, ठीक है। तो एक लीगल एंटिटी है, कोई रियल पर्सन नहीं है जिसके पास कलम हो, राइट, तो इसीलिए इसका कॉमन सील होता है जो कि कंपनी का नेम बियर किया जाता है, इसीलिए लीगल स्टेटस के कारण कंपनी जो है डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकता अपने नाम में डायरेक्टली, इसीलिए इसकी जगह एक कॉमन सील होता है जो कि कंपनी का नेम बियर करता है, राइट, ये बात समझ में आई आपको। चलिए उसके बाद है कॉमन सील की बात की जा रही है, मैंने अभी आपको समझाया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी ट्रेडिशनली जो है कॉमन सील को यूज करती है, समझिए कि एक स्पेशल स्टाम्प होता है, कंपनी का नाम उस पर लिखा रहता है, यह सील कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह काम करता है। समझ में आया। अब फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, फंक्शनैलिटी में क्या है दोस्तों कि जब सील यूज हो जाए तब, तो कॉमन सील को सभी चीजों के लिए हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, यह समझिए कि रिजर्व होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए, सभी चीजों के लिए कॉमन सील को यूज नहीं कर सकते, इट इज रिजर्व फॉर सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिशियल एग्रीमेंट है या शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है, इनके लिए। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं यानी जो कंपनी के गवर्निंग मेंबर होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि कब सील को यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि पहले क्या होता था, पास्ट में क्या होता था कि कंपनीज एक्ट में कहा गया था कि कंपनी को कॉमन सील को यूज करना है कुछ सर्टेन डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, 2015 से कॉमन सील को यूज करना ऑप्शनल हो गया है, ठीक है, यहाँ लिखा है अमेंडमेंट इन 2015 कॉमन सील इज ऑप्शनल, ठीक है। अब जो है कंपनी सिंपली ऑथराइज डायरेक्टर, उस कंपनी के ऑथराइज डायरेक्टर हो सकते हैं, वही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे, मतलब दो डायरेक्टर होते हैं या एक डायरेक्टर हो सकते हैं या कंपनी के सेक्रेटरी हो सकते हैं जो कि इस डॉक्यूमेंट को साइन करेंगे, ठीक है, ऑप्शनल है, आपको एक मैंडेटरी नहीं है कि आपको कंपनी का सील लगाना ही लगाना है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है लिमिटेड लायबिलिटी यानी लिमिटेड रिस्क, क्या मतलब हुआ, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। इमेजिन कीजिए कि आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं, इमेजिन कीजिए कि यू आर बाइंग अ शेयर इन अ कंपनी, ठीक है, जैसे यदि मान लीजिए कंपनी बैंककरप्ट हो जाती है, कंपनी क्या हो गई, बैंककरप्ट हो गई, इफ कंपनी गोज बैंककरप्ट तो आप जो है पैसा लूज कर लेंगे, राइट, तो कंपनी यदि बैंकरप्ट हो जाएगी तो कितना आप लूज कर सकते हैं, जितना आपने शेयर में खर्चा किया था उतना ही आप बैंकरप्ट होंगे। तो आप जो आपका हाउस है, जो आपका कार है या जो आपके पर्सनल बिलोंगिंग है, ये सभी सेफ है, ऑल दीज आर सेफ, यही होता है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब मेंबर्स का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होता है, मतलब आपका हाउस कार ये सब को गिरवी नहीं किया जाएगा, आपका लॉस कितना हुआ, जितना का शेयर आपने खरीदा था उतना ही आपका लॉस है, इसीलिए कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द शेयर होल्डर। दूसरा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्या मतलब हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं यानी जो ऑनर्स होते हैं वो डायरेक्टली बिजनेस को रन नहीं करते खुद से, वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कोई मिनी कमिटी हो गया, ठीक है,
ताकि वो मॉनिटर करेंगे डे टू डे ऑपरेशन को और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। मतलब जो शेयर होल्डर है या जो ऑनर है वो कंपनी को डायरेक्टली मैनेज नहीं करते, रेदर वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जो कि डे टू डे ऑपरेशन को मॉनिटर करता है। समझ में आए बात। फिर से बात करें शेयर ट्रांसफरेबिलिटी की, तो इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर होते हैं ना उसको आप आसानी से खरीद सकते हैं, आसानी से बेच सकते हैं किसी भी आदमी को स्टॉक मार्केट में। इससे क्या होता है कि लोग इन्वेस्ट कर सकेंगे कंपनी में और एक प्रॉफिट बना सकेंगे यदि शेयर प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन हो सकता है कि कौन शेयर खरीदेगा कौन शेयर बेचेगा, ताकि आप ऑनरशिप को एक ग्रुप के अंदर लेवल में रख सकें। तो शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड विद रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है कि कौन शेयर खरीदेगा कौन शेयर बेचेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है शेयर ट्रांसफरेबिलिटी के, पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस। मतलब ये दूसरा की फीचर है कि कंपनी के जो कंपनी इट्सेल्फ जो है ना एक सेपरेट पर्सन मानी जाती है लॉ के आईज में। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि यदि कोई कंपनी गलत काम करती है तो शेयर होल्डर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ये यदि कंपनी का एसेट होगा जो कि स्टेक पे होगा, शेयर होल्डर के पर्सनल बिलोंगिंग स्टेक पे नहीं होंगे। मतलब यही कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस। नेक्स्ट है हमारा एडिशनल एट्रीब्यूट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। पहला है लार्ज मेंबरशिप। मतलब एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि उसे खरीदे हुए हो, समझे। तो ऑनरशिप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है बहुत सारे मेंबर्स में, राइट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन हैव लॉट ऑफ पीपल हु ऑन्स इट। तो ये एक डिफरेंट होता है स्मॉल शॉप से जो कि एक पर्सन के द्वारा ऑन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है कि कम से कम दो या नॉट मोर देन 200, देखिए मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 इसी के बीच में मेंबर होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो इसको ये समझिए कि एक क्लब है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात हो गई, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या होता है इनके पास कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, स्मॉल ग्रुप से लेकर 1000 या मिलियंस। तो अंतर समझ में आया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। दूसरा पॉइंट है हमारा मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो दोस्तों कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ पैसा होता है जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को चाहिए स्टार्ट होने के लिए, जिसको हम लोग पेड अप कैपिटल बोलते हैं। मतलब एक स्टार्टिंग बजट के रूप में काम करता है। तो पहले क्या होता था प्रीवियसली, यानी पास्ट में क्या होता था इसको समझिए। प्रीवियसली क्या होता था कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती थी उनको कम से कम 1 लाख चाहिए होता था, मिनिमम ऑफ 1 लाख, ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 5 लाख चाहिए होता था पेड अप कैपिटल के रूप में एज पर कंपनीज एक्ट। लेकिन 2015 में जो अमेंडमेंट आया, ठीक है, इसमें क्या किया कि इस रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया। इसे कंपनी जो है पेड अप कैपिटल अपने अपने हिसाब से कितना चाहिए वो खुद से डिसाइड करती है, राइट। तो ये जो 1 लाख और 5 लाख का जो रिस्ट्रिक्शन था नाउ इट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, इट हैज़ बीन रिमूव्ड। अब देखिए कंपनीज के टाइप की यहाँ बात की जा रही है। तो दोस्तों बहुत तरह की कंपनियाँ होती हैं ऑन इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, फॉरेन कंपनी, हम लोग इसके एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऑनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, फिर लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी और सब्सिडियरी कंपनी। अभी मैंने आपको बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी अभी मैंने आपको समझाया था, आप देख सकते हैं। आई हैव जस्ट डिस्कस ऑल दिस पॉइंट। सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय लायबिलिटी क्या होती है, आई थिंक वी हैव डिस्कस जस्ट नाउ।